नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बारिश हो रही है, खैर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसका रूफ लैम्प काम नहीं करता। तो आज हम उसको देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मैंने दोनों बल्ब लगा के चेक कर लिए हैं कि आखिर वो क्यों नहीं काम कर रहा, एक तो काम कर रहा है एक नहीं काम कर रहा, तो उसको आज हम रिजॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। तो ये देखिए अपना ये बल्ब है और ये मैंने ऑफ ऑन कुछ भी कर रहा हूँ, हिला भी रहा हूँ तो कोई करंट नहीं आ रहा। दूसरी बात, ये जो है अपना ये तो काम कर रहा है पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। आप देखोगे अभी तो काम कर रहा है, मैं ये देखिए कहीं कहीं पे ये मिस कर जाता है, पर फिर भी इस मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें इसे बनाना है। क्यों? क्योंकि इसका बल्ब भी सही है। आप ध्यान से देखोगे, देखिए इसका फिलामेंट प्रॉपर है। तो चलिए सबसे पहले हमें दो नट को खोलना है क्योंकि यही बेस है इनके। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको, काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये जो रूफ के चेचिस में फिट होता है। ये देखिए कितना लंबा है, ये देखिए ये अपना ढीला हो रहा है। सॉरी, मेरे में किन्हीं किन्हीं वीडियो में फोकस नहीं रहता क्योंकि मेरे को ही काम करना है मेरे को। ये देखिए ये अपना निकला है। दोनों नट को ध्यान से रखिएगा, देखते हैं सॉकेट लगा हुआ। ये देखिए कितनी हालत ख़राब है। इसको दबाएंगे अपन और इसको पीछे ढकेल लेंगे तो ये निकल आए। आपकी बटन के नीचे प्रेशराइज क्या होता है ये पार्ट, तो इसे हमें निकालना है। तो स्क्रू दिए हैं फ्लैट को, तो स्क्रू ड्राइवर से आप खोल लें। चूँकि मैं बाहर हूँ तो मेरे पास उसको चेक करने के लिए, करंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे डायरेक्ट करंट दे के देखेंगे कि इसमें करंट आ रहा है नहीं। काम कैसे करता है कि इसे आपका निगेटिव जाता है इसमें, यहाँ से बॉडी से, चूंकि यहाँ पे नट लगा होता है तो बॉडी से इसमें निगेटिव आता है, आपकी स्विच के थ्रू इसमें जाता है और आपका पॉजिटिव डायरेक्ट रहता है। ये देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्ट रहता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको सप्लाई दे के देखते हैं कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। चूँकि ये हाइलोजन बल्ब है तो आप कैसे भी सप्लाई दें इसमें करंट की कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए लाइट जल रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी स्विच में प्रॉब्लम है। तो ये हमने खोल लिया है और उसके बाद ये देखिए इसे हम निकाल देंगे, इसे भी हम निकाल देंगे। तो पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, इसको आपको हल्का सा उठाना पड़ेगा, ऐसे उठाइए इसको और अपने बल्ब को बाहर कर लीजिए। ये देखिए इसके अंदर से ये और जो कनेक्शन देता है उसकी हालत देखिए, बॉल्स की ये इसकी हालत बहुत बुरी देख रहे हो आप। आपको निकालना है तो आप उससे पहले ये, फिर यहाँ से भी आप निकाल लो, ये निकाल लिया आप, इसे निकाल लो आप और ये बल्ब को ज़रूर निकाल देना क्योंकि ख़राब हो जाएगा, देख रहे हो, कभी जलेगा इसमें। और ये तांबे के होते हैं, बॉल हमारी लोहे की होती है बाकी तांबे के होते हैं। अच्छा, इसमें फंक्शनिंग कैसे होती है कि ये बॉल यहाँ पे रहती है, जब खिसकाते हो तो इन दोनों के बीच में आ जाती है तो वो एक सेटअप हो जाता है, फिर और खिसकाते हो तो इस बीच में आ जाती है, तो ये सेटअप होता है इनका। ऊपर रहती है तो नहीं रुकती है। तो चलिए सबसे पहले इनको साफ करें, हमारे पास सैंड पेपर होना चाहिए। अब अपने पास थिन सैंड पेपर नहीं है, ये मेरे ख्याल से 80 नंबर का होगा, तो जितना पतला हो सके उतना यूज करें क्योंकि इनको काटते हैं। तो सबसे पहले इसको लीजिए और देखिए तांबे पीतल में कैसी रस्टिंग लगती है, आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन कलर का है ना, इसे रस्ट ही है, ये रस्ट होता है। इनका रस्ट बिल्कुल ग्रीस की तरह रहता है, ग्रीन सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। इनको बीच में ज़रूर करिएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो चुके हैं, अभी भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अब बॉल की बारी आती है। ये देखिए ये हमारा फाइनल बॉल और ये हमारा फाइनल, ये कैमरे में आपको दिख रहा होगा पर वो छाया है, काला नहीं है, क्लीन है। अब फिटिंग कैसी करनी है आप बता। स्प्रिंग को आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, करना हो तो आप कर सकते हैं पर मैं नहीं करूँगा। थोड़ा सा इसको खींच दीजिए जिससे इसमें टाइटनिंग थोड़ा सा पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाए। और ये आप देख रहे हैं सबसे पहले इसके अंदर
अपनी स्प्रिंग को डालिए, देन बॉल डालिए, ठीक है। उसके बाद इसको पलटिए, उल्टा इसमें फिट करना है, जिधर पे टेढ़ा होगा वो ऊपर साइड पे होगा। देन देखिएगा बॉल बस इधर उधर ना होने पाए, देखिएगा बॉल, ये देखिए इसको ऐसे डालना है और फिर उठाइए इनको। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आपको करेगा, जितना हो सके लगा दीजिए। चलिए अभी इसको फिक्स करने की बारी है, तो इसमें डालिए, इसमें डालिए, ये आपका ये आ गया, और फिर इसको इसमें कर दीजिए। आपको इसको फिट कर देना है, देखिए परफेक्ट अपना फिट हो चुका है। अभी इसको मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि अभी हमको इसमें लगाना है, तो अगर हम इसको पहले फिट नहीं करेंगे तो यहाँ पर डिस्टरबेंस आएगी। चलिए टेस्ट करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। बल्ब लगाते हैं, थोड़े से आप कनेक्शन जान जाओ। ये आपका डायरेक्ट पॉजिटिव आता रहता है, ये जो है आपका जब भी गेट से निगेटिव आता है उस टाइम पे ये काम करता है जब आप इसे बीच में करते हो, ठीक है ना। और जैसे ही आप ऑन करते हो तो चूंकि डायरेक्ट पॉजिटिव आता रहता है ना, तो यहाँ से ये जो बॉडी से इसे निगेटिव जाता है यहाँ से, और डायरेक्ट आपका बल्ब जलने लगता है। तो सबसे पहले हम बीच में कर देते हैं, ये देखिए। उसके बाद हम थोड़ा सा किनारे से लाइट करते हैं और जल जाना चाहिए, ये प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए अब लगाते हैं और क्या काम खत्म। सॉरी, ये देखिए हमने फिटिंग कर ली। अब इसे अंदर हम डालेंगे और चेक करते हैं निगेटिव प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम जैसे ही ये वाला लगाएंगे, ये देखिए कनेक्शन आने लगा, मतलब ये तो अपना काम करने लगा। इनको टाइट कर दीजिए, सेकंड बार लगा दीजिए, बहुत तेज नहीं दबाएगा नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेशर के कारण टूट चुका है। बस देखिए फिट हो गया, ये कवर हो गया, हमने ऑलरेडी इसको क्लीन कर दिया, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, बहुत छोटी सी वीडियो। ये देखिए फिट हो गया, ये भी फिट हो गया, ये देखिए इसका नेगेटिव नहीं आ रहा है। कोई सा भी गेट खोल देंगे तो उससे नेगेटिव आने लगेगा, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आ रहा, ये देखिए। जब गेट से आपको नेगेटिव आएगा तब बीच में जलेगा, इसीलिए जब गेट खोलते हैं तब आता है नेगेटिव। तो ये देखिए अपना बन गया प्रॉपर फिट है। अब जो आप देख रहे हैं ये सेकंड वाला है, सेकंड यानी सेंटर वाला। अभी हमने पीछे का लगाया था, 2017 के पहले गाड़ियों में दो आते थे रूफ लैंप, लेकिन 2017 के बाद की गाड़ियों में बैक में ग्रैब हैंडल दे दिया, रूफ लैंप नहीं दिया है। इस वाले में ये प्रॉब्लम थी कि जो बीच में मेटल बॉल वो थी खराब, उसको हमने घिसा भी पर उतना अच्छा काम नहीं किया। उसका अल्टरनेट हम आपको बता रहे हैं, तो अगर आपका वो ख़राब है तो आप इससे भी वो चीज़ें ठीक कर सकते। ये ज़रूरी था मैंने डाल दिया, वैसे ना डालता तो भी कोई बात नहीं थी, पर अगर आप कहीं फंसते तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये जो बड़ा वाला है ये पुराना है और ये वाला नया है, पर ये छोटा है, मिला ही नहीं साइकिल वालों। तो हम क्या करते हैं इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, इसकी जो स्प्रिंग की साइज है देखिए बाहर निकाल दिया मैंने, थोड़ा सा खींच दिया। तो ये दूसरे वाले का है, उसका तो मैंने लगा दिया है, ये आपको दिखाने के लिए है। ये देखिए मैंने सब सेट कर दिया है, ये दूसरा वाला है मतलब सेंटर वाला। तो इसमें देखिए हम टेस्टिंग करेंगे, अभी ये ऑफ है, देखिएगा आप कहीं पर भी लाइट नहीं जल रही है। तो उसके बाद हम बीच में करते हैं ये, अब ये लाइट हमारी ये देखिए जलने लगी। उसके बाद हम सबसे लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं मतलब किनारे वाले में, ये देखिए ये बल्ब जल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखा आपने, ऐसे ही आप भी काम कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद आप सभी का।